नमस्कार, भिवानी हलचल के इस अंक में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं स्वीटी शर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हलचलों पर। सहजमालपुर के झाड़ियों में मिला नवजात बच्चा, हालत स्थिर। हालवास गेट के निकट हुई लाखों की चोरी, चोर सामान लेकर हुए फरार। गांव कालवास के सरकार के स्कूल की हालत खस्ता, स्कूल में का नहीं हो रहा विकास। भवानीखेड़ा जनाक्रोश रैली में जमकर बरसे पूर्व सीपीएस। देर शाम शहर थाना पुलिस ने छापेमारी कर चिड़ीमार मोहल्ले से पांच जुआरियों को किया गिरफ्तार। अब हलचल विस्तार से। लोहारू क्षेत्र के गांव सहजमालपुर में की झाड़ियों में एक नवजात बच्चा मिलने का मामला सामने आया है। क्षेत्रवासियों ने जब नवजात शिशु को देखा तो वे उसे तुरंत लोहारू सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से नवजात को भिवानी सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल नवजात शिशु की हालत स्थिर बनी हुई है। लोहारू क्षेत्र के गांव सहजमालपुर में मानवता को शर्मसार कर देखने वाला वाक्य देखने को मिला। गांव की झाड़ियों में एक नवजात शिशु पड़ा मिला, जिसे देखकर ग्रामीणों का दिल पसीज गया। नवजात की हालत स्थिर बताई गई, वहीं दो उंगलियां भी गायब बताई गई। ग्रामीण बच्चे को लेकर तुरंत सामान्य अस्पताल पहुंचे, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए बच्चे को भिवानी नागरिक अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ चिकित्सकों ने नवजात को प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन बच्चे की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर है। जब बच्चा कल यहाँ पे लाया गया था तो उसके शरीर पे कुछ जख्म पाए गए थे, जो कि शायद झाड़ी में पड़े होने की वजह से थे, और उसके सांस में थोड़ा सा तेज थे, पर अभी बच्चे में पहले से काफ़ी सुधार है। पुलिस द्वारा ही बच्चा लाया गया था जब लोहारों से यहाँ पर रेफर किया गया था, परंतु अभी तक उसके माँ बाप का शायद पता नहीं चला है। अभी क्योंकि बच्चे की हालत पूरी तरह से स्थिर नहीं थी, तो आमतौर पर ऐसे बच्चों को 7 से 10 दिन लगते हैं ठीक होने में। उसके बाद इस बच्चे को अगर हालत स्थिर हो जाती है तो आगे के प्रोसीजर के लिए वेलफेयर कमेटी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। स्थानीय हालुवास गेट के निकट बीती शाम एक घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घटना के समय मकान मालिक घर पर नहीं थे, सभी किसी काम से बाहर गए हुए थे। मकान मालिक के अनुसार चोर अपने साथ नकदी व जेवरात ले उड़े। भिवानी स्थित हालुवास गेट के निकट बीती शाम एक घर में सेंधमारी कर चोरों ने कथित तौर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं 1 लाख की नकदी व जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। मकान मालकिन का कहना है कि वह खेत में गई हुई थी, वहीं उसकी बहू देवसर धाम गई हुई थी। मकान को खाली पाकर चोरों ने उसे अपना निशाना बनाया। वहीं पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। 1,12,000 तो जी मेरी नकदी चोरी हुई है। दो जोड़ी छोटे ऊपर के बाली थी जी बहू की, और कान्ना के थे जी, और गड़ का मोतियों का 10 मोती और लॉकेट था जी, 2 जोड़ी पजेब है। ये मेरे फिलहाल अभी आज के दिन तो यही चोरी हुई है। थोड़ा बहुत देखो कोई घर के सामान साड़ी वगैरह का भी कोई पता नहीं चल रहा, मैंने छेड़ा नहीं है। मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आके देखा, मैंने पुलिस वालों को रिपोर्ट दी है। अब आप मेरा कुछ समाधान करो भाई साहब। पुलिस वालों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और आपसे भी यही प्रार्थना करती हूँ भाई साहब। और रात सुबह मैं काम करके यहाँ से सारा मेरा और अच्छे से लॉक लगा के गई थी यहाँ से, और मैं वहाँ देवसर माता रानी के भी और मेरी बुआ जी की जो भी टांग टूटी है मैं पूछा भी पूछताछ करके आऊँगी। मैं वहाँ से लौट के आई हूँ तो ये मैंने देखा कि वहाँ का गेट ये सब कुछ बिखरा हुआ ऐसे मिला। मैंने अपनी विश्वास को फ़ोन किया और तब बुलाया है और तब ये सारा दिखाया, तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस को बुलाया। 1,12,000 तो नकदी थे और वो 2 भैंस बेची थी, वे उनके पैसे रखे थे यहाँ पे, और मेरी मतलब 4 जोड़ी बाली हैं ऊपर वाले कानों की, वो टूटी हुई थी, वे निकाल के रखी हुई थी। जिले के गांव कालवास के सरकारी स्कूल की हालत इस समय खस्ता हाल है। स्कूल में ना तो छात्र छात्राओं के बैठने का उचित प्रबंध है और ना ही स्कूल की इमारत का कोई भरोसा। आलम यह है कि छात्रों की जगह अब स्कूल में आवारा पशु घूमते नजर आ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भिवानी जिले के गांव कालुवास के सरकारी स्कूल की दुर्दशा काफी
निंदनीय हो चुकी है। स्कूल की खस्ता हालत को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर विद्यार्थी यहाँ कैसे शिक्षा प्राप्त करते होंगे। विद्यार्थियों के बैठने की जगह स्कूल परिसर में आवारा पशु घूमते नजर आ रहे हैं। स्कूल की इमारत भी जर्जर हो चुकी है। इस हाल में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वहीं शिक्षा का स्तर भी लगातार गिरते हुए कमजोर होता जा रहा है। इस खराब हालत से न केवल विद्यार्थी परेशान है बल्कि ग्रामीण बच्चों के अभिभावक व अध्यापक गण भी परेशान है। स्कूल स्टाफ का कहना है कि वे कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं जब इस बारे में शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें स्कूल की तरफ से शिकायत मिली है। शिकायत के बारे में शिक्षा विभाग को लिखा गया है। जल्द ही ग्रामीणों के सहयोग से आवारा पशुओं की समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं स्कूल की चार दीवारी को भी दुरुस्त किया जाएगा। आवारा पशु ऐसे बड़े रहते हैं और उसकी आर्थिक दीवार जो इसके अंदर बच्चे भी इसमें कम ही हैं, 60-70 बच्चे 8वीं तक। व्यवस्था ये स्कूल वाले जाने के सरपंच जाना, ये आम आदमी तो वही क्या कर सकेगा। का भविष्य सरकारी स्कूलों का बिगड़ता जा रहा है क्योंकि सरकार जो है ध्यान कम दे रही है। जैसे कि आज हमारे स्कूल GMS कालूवास में मैंने कितनी बार बाउंड्री वाल के लिए लिख के दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दफ़े ग्रांट आई थी लेकिन 30% ऑब्जेक्शन लगने के कारण वो लैप हो गई। दोबारा मैंने दे रखी है, अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस शिक्षा के लिए बच्चों का तो पूरा ध्यान दिया जा रहा है, स्टाफ पूरी मेहनत से काम करा रहा है। दूसरा गांव के ये जो बाउंड्री टूटी हुई है, आवारा पशु हैं इनके, गाँव से काफ़ी बार हमने सरपंच को बुला के कहा है, गांव के और गणमान्य जो व्यक्ति हैं उनको भी कहा है कि भाई इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। मेरा पूरा स्टाफ भी है, बल्कि स्टाफ साथी भी, स्टूडेंट्स भी, हम एक जैसे स्कूल के बाहर भी जो आपने देखा होगा वहां पर हमने जो एक काबली कीकर बोलते हैं इनको, ये भी हमने कटवाई है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें गाँव का इंटरफेयर ज़्यादा है। यहाँ के लोग बाग जो है ना अपने आवारा पशुओं को बांध देते हैं, आवारा पशु भी आते हैं, पर्सनल पशु भी बांध दे जाते हैं। तो ये जो ग्राउंड होना चाहिए था, मैं सोच रहा हूँ कि ये मतलब खेल के काबिल नहीं है। अदरवाइज आप स्कूल के कैंपस में देखिए साफ सफाई की व्यवस्था। भवानीखेड़ा के गांव कुंगड़ में आयोजित की गई जनाक्रोश जनसभा रैली में हल्का भवानीखेड़ा के पूर्व CPS रामकिशन फौजी ने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ निशाना साधा। वहीं लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुना और आम जनता की परेशानी को अपनी परेशानी बताया। पेश है एक रिपोर्ट। भवानीखेड़ा के गांव कुंगड़ में आयोजित की गई जनाक्रोश जनसभा रैली में जमकर बरसे हल्का भवानीखेड़ा के पूर्व CPS रामकिशन फौजी ने कहा कि भाजपा सरकार ने आज आम आदमी को मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। हर रोज नए नए कानून बनाए जा रहे हैं लेकिन अमल करने वाला कोई नहीं है। हरियाणा में बेटियों और गोमाता की दशा आज इतनी बदतर हो चुकी है कि हर रोज कोई ना कोई लापरवाही निकल कर सामने आ रही है। भाजपा सरकार ने GST बिल लागू करके आम आदमी के साथ साथ किसानों व्यापारियों को भी संकट में डाल दिया है। वहीं किस प्रकार लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए ताकि आमजन अपने हक के प्रति आवाज उठा सके, इस प्रकार के विभिन्न मुद्दों व पहलुओं पर भी बात की। वहीं सरकार की गलत नीतियों के प्रति आवाज उठाने की प्रेरणा दी। सचमुच जन आक्रोश रैली में लोगों में आक्रोश देखने को मिला। कि जो मोदी जी ने BJP सरकार ने जो वादे किए थे, हरियाणा सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा करें, लेकिन आज भारी रोष है इस हरियाणा सरकार के खिलाफ। जिस दिन से सरकार बनी है न कानून व्यवस्था है, न कोई विकास की बात है, किसान को भाव नहीं मिलता, व्यापारी आज बड़ा दुखी है GST की वजह से। इसके तहत हमने गाँव का दौरा किया, जो भवानीखेड़ा हल्का के जो कार्यकर्ताओं ने जो आज कुंगड़ गाँव से हमने अभियान शुरू किया है कांग्रेस पार्टी का, और जब तक जारी रहेगा हमारा जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां बताना, BJP की जो गलत नीतियां उनको वापस करवाना। भिवानी शहर थाना पुलिस के जवानों ने कल रात छापेमारी करके चिड़ीमार मोहल्ला के 5 जुआरियों को 1,02,000 रुपए के साथ पकड़ा। पुलिस SHO भगवान सिंह ने बताया कि उन्हें देर रात सूचना मिली थी कि चिड़ीमार मोहल्ला में कुछ लोग जुआ खेलते, सूचना के आधार पर छापेमारी कल रात को जुआरियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। सूचना मिली थी कि चिड़ीमार मोहल्ला में कुछ शरारती तत्व सट्टे का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिसे आसपास के क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी के भोले भाले युवकों के पैसे ठग लिए जाते थे। सोमवार रात को शहर थाना की टीम ने छापेमारी करके 5 लोगों को सट्टे का अवैध धंधा करते गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। बंटी सुनो प्रेमचंद जाति महाजन जो यहाँ बयानी में काफी सालों से सट्टे का कारोबार कर रहा था, तो मुझे सूचना मिली कि
यहाँ अपने घर में चिड़ी पार मोहल्ले में अपने घर पे ये कार्य कर रहे हैं। तो हमने रात को उनको पकड़ा, उनके पास से 1,02,450 रुपये मिले, जिसके संबंध में 5 आदमियों के खिलाफ हमने, जो और वहाँ काम कर रहे थे बंटी समेत 5 व्यक्तियों के खिलाफ हमने पर्चा दर्ज किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हलचलों पर। सहजमालपुर के झाड़ियों में मिला नवजात बच्चा, हालत स्थिर। हालवास गेट के निकट हुई इलाकों की चोरी, चोर सामान लेकर हुए फरार। गांव कालवास के सरकार के स्कूल की हालत खस्ता, स्कूल में का नहीं हो रहा विकास। भवानीखेड़ा जनाक्रोश रैली में जमकर बरसे पूर्व सीपीएस। देर शाम शहर थाना पुलिस ने छापेमारी कर चिड़ीमार मोहल्ले से 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार। इस अंक में इतना ही, अगले अंक के लिए बने रहिए भिवानी हलचल के साथ। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।